स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, भ्रूणीय प्रेरण की प्रक्रिया के बारे में। इस टॉपिक का आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने हैंस स्पीमैन के जो प्रत्यारोपण के ट्रांसप्लांटेशन के जो प्रयोग थे, जो उन्होंने न्यूट पर, सेलामेंडर पर किए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अच्छा, उन प्रयोगों से ये निष्कर्ष स्पीमैन ने निकाला था कि एम्फीबिया में जो उभयचर वर्ग के जंतु हैं, सेलामेंडर, जीनोपस, न्यूट, इनमें क्या था कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हैं, यानी जो कोरक छिद्र हैं, उसका जो पृष्ठ ओष्ठ है, डॉर्सल लिप है, वो एक्चुअल में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम करता है। और स्पीमैन ने सबसे पहले ये जानकारी दी और इसी कारण इस डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को स्पीमैन्स ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक चीज हमने डिस्कस की थी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के बारे में। नंबर टू, अब ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, ये भ्रूणीय प्रेरण, जो हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और उसी का परिणाम होता है विभेदन, डिफरेंशिएशन। तो आज हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि जो एक ऑर्गेनाइजर की हम बात कर रहे हैं या जो इंड्यूसर की हम बात कर रहे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो मैं ये डिस्कस करूंगा। तो ऐसी टोटल ये फाइव प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर लिखी हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर टू, मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर क्या है, उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आज के लेक्चर में फाइनली हम डिस्कस करेंगे इस ऑर्गेनाइजर की नेचर के बारे में, इस ऑर्गेनाइजर की प्रकृति कैसी है। तो बेसिकली आज का लेक्चर इन तीन टॉपिक्स पर बेस्ड है। फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनाइजर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में
प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली ऑर्गेनाइजर की प्रकृति नेचर पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ऑर्गेनाइजर की कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने यहां टोटल 5 प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं, 1 by 1 इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहली बात क्या कहता है ये कि ऑर्गेनाइजर में ऐसी क्षमता है, कैसी क्षमता है, कि वो स्वविभेदित हो सकता है, यानी उसमें सेल्फ डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी या क्षमता होनी चाहिए। और एक बार जब स्वविभेदन हो जाए तो इसमें स्वसंगठन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी भी आ जाती है। अच्छा, इसी से मिलती जुलती कलम ने एक बात लिखी थी कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, उसमें हमने डिस्कस किया था सेल्फ डिटरमाइनिंग टिश्यू। हमने कल लिखा था कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, वो स्व निर्धारित ऊतक है, मतलब वो खुद ही अपना विभेदन कर सकता है, यानी ऑर्गेनाइजर की जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में, कोशिकाओं में सेल्फ डिफरेंशिएशन की, स्वयं के विभेदन की कैपेसिटी या एबिलिटी प्रेजेंट होती है। ये पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की। नंबर 2, ये क्या करता है, चेंजेस लाता है। हमने उस दिन इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी भ्रूणीय प्रेरण में भी पढ़ा था कि परिवर्तनों के बारे में, कि एक एम्ब्रियोनिक पार्ट दूसरे एम्ब्रियोनिक पार्ट को प्रेरित करता है कि वो एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करे। तो यहां बात आती है चेंज की, परिवर्तनों की। तो ऑर्गेनाइजर में कैपेसिटी है कि वो परिवर्तन ला सकता है, एक तो अपनी खुद की ही सेल्स में, खुद की कोशिकाओं में परिवर्तन आए तभी खुद में विभेदन आएगा, और दूसरी इसमें कैपेसिटी है कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उसके चारों ओर जो ऊतक, जो कोशिकाएं हैं निकटवर्ती, उनमें भी ये परिवर्तन ला सकता है। तो यहां बात की खुद में परिवर्तन की, प्लस आसपास के जो ऊतक हैं उनमें भी ये परिवर्तन ला सकता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा, अगर कहीं पर किसी स्थिति में दो ऑर्गेनाइजर्स हैं तो पहला ऑर्गेनाइजर दूसरे ऑर्गेनाइजर की एक्टिविटी में कोई हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया था, 2 स्पीशीज ली थी न्यूट की और एक की डॉर्सल लिप ऑफ प्लास्टोपोर के कुछ पार्ट को हमने उस दूसरे के अंदर कहाँ लगाया था, जहां वेंट्रल एपिडर्मिस बनती है वहां लगाया था। तो हमने क्या देखा था कि वहां पर भी इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो 2 ऑर्गेनाइजर हो गए वहां, लेकिन दोनों एक दूसरे के काम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात डिस्कस कर रहा हूं कि जो सराउंडिंग सेल चेंज हुई, जैसे मैं बात करूं कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, एम्फीबिया की बात करें, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है, एम्बोली की क्रिया हो रही है, तो इनवेजिनेशन होगा, सेल्स अंदर एंटर होगी।
तो जो ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड अंदर एंटर हुई डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से होकर, तो वो क्या करती है, सीधा वो निर्माण करती हैं आपके कॉर्डा मीजोडर्मल सेल्स का, यानी विभेदित होकर इन्होंने ये बनाया। अब ये जो कॉर्डा मीजोडर्मल सेल है, ये भी कैसा काम करेगी, एक ऑर्गेनाइजर के जैसा काम करने लगेगी। लेकिन पहला ऑर्गेनाइजर तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर था, तो यहां पर कॉर्डा मीजोडर्मल सेल ने सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का काम किया और अब ये निर्माण करेगी न्यूरल प्लेट का। तो यहां पर जब भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया होती है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर अपने निकटवर्ती सेल्स को परिवर्तित कर देता है, तो ये जो कोशिकाएं परिवर्तित हुई, संभावना है कि ये कर सकती हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का काम, ये कर सकती है। लास्ट प्रॉपर्टी है कि बात कर रहे हैं लेट ब्लास्टूला की, ब्लास्टूला खत्म हो गया, तो ब्लास्टूला स्टेज तक हम क्या देखते हैं कि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसमें एक्सिस अक्ष का निर्माण नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजर क्या करता है, भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया करवाएगा, ब्लास्टूला को गैस्ट्रूला में बदलेगा और उस समय एक्सिस अक्ष का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो यहां हमने ये ऑर्गेनाइजर जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहां पर डिस्कस किए। तो ये पहला पार्ट जो था आज का, वो आपको समझ में आया। अब मैं बात करूंगा, एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के बारे में। देखो, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है कि एम्ब्रियो का एक ऐसा पार्ट जो पहली बार भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया को शुरू करे, इनिशिएट करे। तो पहली बार कोई पार्ट भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया को प्रारंभ करता है तो उसे हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे एम्फीबिया में बात की, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है प्राइमरी। इसी तरह अगर हम मुर्गी के अंडे को देखें, चिक के डेवलपमेंट की बात करें बर्ड्स के अंदर, तो वहां एक स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव स्ट्रिक, हिंदी में उसे आदि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो उस आदि रेखा का एंटीरियर पार्ट हैनसन नोड कहलाएगा। तो उन बर्ड्स के अंदर, चिक के अंदर, वो हैनसन नोड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम करती है। क्लियर? अच्छा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ने भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया की, चेंज किया अपनी सराउंडिंग सेल को, और अब ये सराउंडिंग सेल अगर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का काम करे, भ्रूणीय प्रेरण में पार्टिसिपेट करे, और ये भी ऑर्गेनाइजर का काम करने लग जाए, तो इन्हें हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऐसे एम्ब्रियोनिक पार्ट है, ऐसे टिश्यू है एम्ब्रियो के जो पहली बार भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया में भाग लेते हैं और डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं, परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। अगर भ्रूणीय प्रेरण के बाद जो निकटवर्ती ऊतक हैं, सराउंडिंग टिश्यू हैं, उनमें भी अगर इंडक्शन की प्रोसेस आ जाए, एबिलिटी आ जाए, तो इन्हें हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर की बात की मैंने, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के एग्जाम्पल दिए आपको, डॉर्सल लिप ऑफ प्लास्टोपोर, हैंसन नोड की बात की, प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो एंटीरियर पार्ट है, और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर में न्यूरल प्लेट सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर हो सकती है, कॉर्डा मीजोडर्मल सेल्स हैं
ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर हो सकती है। ओके, ये काम करती है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का। अब मैं आज का लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर की प्रकृति क्या है। तो डिस्कस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। स्पीमैन और मैन गोल्ड ने क्या किया कि एक सैलामेंडर जो था, इसके अर्ली गैस्ट्रूला से डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, इन टिश्यू को अलग किया, इन्हें उबाला, ठंडा किया और वापस प्रत्यारोपित कर दिया उस अर्ली गैस्ट्रूला में। अब होना क्या चाहिए था कि जब उस डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर टिश्यू को उबाला तो सेल्स डेड हो गई, सभी कोशिकाएं मर चुकी हैं। इसका मतलब अब इन्वेजिनेशन, कॉर्डा मीजोडर्म का बनना, न्यूरल प्लेट का बनना, यानी भ्रूणीय प्रेरण की जो क्रिया थी वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन स्पीमैन और मैन गोल्ड ने क्या देखा कि उबालने के बाद भी, सेल्स के नष्ट हो जाने पर भी भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया होती रहती है, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इससे पता क्या चला कि जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की प्रोसेस हो रही है और जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है उसमें ये एबिलिटी जीवित कोशिकीय स्थिति में भी है, और जब वो कोशिकाएं मर चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं, तो भी इनमें प्रेरण की जो क्षमता है वो समाप्त नहीं हुई है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे में क्या किया कि अर्ली गैस्ट्रूला स्टेज से डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के टिश्यू अलग किए और उन्हें ट्रीटमेंट दिया ईथर के साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ, और फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दिया अर्ली गैस्ट्रूला स्टेज में। तो भी उन्होंने देखा कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की प्रोसेस नॉर्मली परफॉर्म होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या किसी भी प्रकार से प्रोसेस रुकती नहीं है। अपने इन एक्सपेरिमेंट से मैन गोल्ड ने और स्पीमैन ने यह कंक्लूजन निकाला कि जब भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया होती है तो दो है, एक तो ऑर्गेनाइजर की सेल्स, दूसरी जो सेल चेंज होगी, मॉडिफाई होगी, डिफरेंशिएट होगी, उनको हम कहते हैं कॉम्पेटेंट सेल्स। तो ऑर्गेनाइजर की सेल्स और जो कॉम्पेटेंट सेल्स हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी भी प्रकार का कोई भौतिक संबंध, किसी भी प्रकार के कोई कोशिकीय ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज निर्मित नहीं होते। तो होता क्या है उस समय कि ऑर्गेनाइजर की सेल्स कुछ सिग्नल, कुछ स्टिम्यूलस रिलीज करती हैं जिन्हें कॉम्पेटेंट सेल्स रिसीव कर लेती हैं और वे डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो उन सिग्नल को रिलीज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की सेल्स को जीवित होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इससे हमें ऑर्गेनाइजर की प्रॉपर्टी पता चलती है कि ये ऑर्गेनाइजर है, वो जीवित हो सकता है, मृत अवस्था में हो सकता है, रसायनों से उपचारित हो सकता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी के लिए जीवित बना रहना कोई आवश्यक नहीं है। ओके, लास्ट एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये जो भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया हम पढ़ रहे हैं, ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। भ्रूणीय प्रेरण की क्रिया का पहला प्रकार है एक्सोजीनस, दूसरा प्रकार है एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस प्रकार का भ्रूणीय प्रेरण है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स कॉम्पेटेंट हैं या जिन्हें डिफरेंशिएट होना है उन्हें ये सिग्नल कहीं बाहर से मिलते हैं। तो इस टाइप के भ्रूणीय प्रेरण को बहिर्जात
एक्सोजीनस टाइप एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर जो कोशिका विभेदित हो रही है और विभेदन के लिए जो सिग्नल है वो उसके खुद के पास ही है तो इसे अंतर्जात या एंडोजीनस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने बीएससी पार्ट सेकंड के जो सेकंड पेपर है जूलॉजी का, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भ्रूणीय प्रेरण आज हमने कंप्लीट किया है। इसके टोटल चार पार्ट हैं और इन चारों पार्ट में हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। ये चारों वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, चैनल के ऊपर आप इन चारों वीडियोस को अच्छे से देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इससे, तो आप एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।